नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। मैं देव दुनिया स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। सेशन नंबर 60 फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। एक वोकेबलरी से भरा हुआ एक चैप्टर, जो बहुत सारी नोएक्शन जिसके बारे में आपसे कल बात करी थी, जिसके चार कैदी थे, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन। नोएक्शन की अगर मैं सिंपल से परिभाषा बताऊँ तो नोएक्शन वो शब्द होते हैं जिन वर्ड्स में आईएनजी, सेकेंड, थर्ड, एसईएस फॉर्म नहीं आ सकती है दोस्तों, वो होते हैं हमारे नो एक्शन। ये सीधी परिभाषा है। और बाकी मैंने आपको स्टोरी बता दी, चार कैदी, नेम, ऑक्यूपेशन, क्वालिटी, कंडीशन, ये चार चीज़ें जो हैं ये नो एक्शन वर्ड्स होते हैं। किसी का नाम वो नो एक्शन है, किसी की ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, वो नो एक्शन है, किसी की क्वालिटी नो एक्शन है, किसी कंडीशन, उनके लिए कौन से वर्ड्स आते हैं, इज एम आर वॉज वर, इज एम आर आई का एम, यू का आर, ही का इज, शी का इज, और एम का पास में हो जाता है वॉस, यू का वर, ही का वॉस, शी का वॉस। क्लियर है फ्रेंड्स? इस पर हमने कल आपसे बात कर दी। बहुत सारी वोकेबलरी मैंने आपको दी थी, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, मैंने बहुत सारी वोकेबलरी यहाँ पर नोट करी है, लिखी मैंने यहाँ पर, जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आप उसको लिख सकते हैं, अपनी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का सेशन जो हमारा है वो बेसिकली वोकेबलरी के लिए ही है। क्लियर है? देखिएगा, एस्ट्रोलॉजर, ASTROLOGER, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, ज्योतिषी को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। क्लियर है? अकाउंटेंट, ACCOUNTANT, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब होता है मुनीम, जो मुनीम होते हैं दुकानों पे, ऑफिस में, दफ्तर में, मुनीम। शेफ, CHEF, शेफ, शेफ बोलते हैं हम लोग बावर्ची को जो खाना बनाते हैं, ठीक है। कैशियर, यानी कि कैशियर मतलब, जब कैशियर का मतलब होगा खजांची, जैसे बैंक में जैसे कैशियर होते हैं जो पैसा कैश देते हैं उन्हें बोलते हैं खजांची। क्लियर है? CASHIER, कॉन्ट्रैक्टर, CONTRACTOR, कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का दोस्तों मतलब होता है ठेकेदार। क्लियर है? कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर मतलब बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। कॉबलर, COBBLER, कॉबलर मतलब मोची, जो जूते चप्पल का काम करता है। केमिस्ट, CHEMIST, केमिस्ट। केमिस्ट का मतलब दोस्तों, ये सब ऑक्यूपेशन, सब व्यवसाय हैं ही, ये सारे ऑक्यूपेशन हैं। केमिस्ट, केमिस्ट का मतलब दोस्तों होता है जो दवा का काम, जो दवा का काम करता है केमिस्ट, दुकानदार जो केमिस्ट होता है। डेंटिस्ट, DENTIST, मतलब दांतों का डॉक्टर जो होता है, डेंटिस्ट बोलते हैं। फ्रूट सेलर, FRUIT, फ्रूट सेलर, SELLER, सेल, बेचने को बोलते हैं सेल, और सेलर मतलब बेचने वाला, सेलर हो जाएगा। जैसे गाने को बोलते हैं सिंग, गाने वाला सिंगर, बेचने को बोलते हैं सेल, बेचने वाला सेलर। करने को बोलते हैं डू, करने वाला डू, हमने आपको पढ़ाया भी है ये, यानी कि फल बेचने वाला। फिशरमैन, मछुआरा, जो मछली का काम करता है, फिशरमैन, FISHER, फिशर मैन, MAN, मैन। गोल्ड स्मिथ, GOLD, गोल्ड, SMIT, स्मिथ, गोल्ड, सुनार, जो सोने का काम करता है उनको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, ठीक है ना। हॉकर, HAWKER, हॉकर, हॉकर का फ्रेंड होता है मतलब फेरी वाला। बहुत सारे फेरी वाले देखिए आपके यहाँ कॉलोनी में आते होंगे, कोई सब्जी बेचने के लिए आता है, कोई आता है, कोई कुछ लेके आता है, उन्हें बोलते हैं हॉकर, फेरी वाले। ग्रीन ग्रॉसर, GREEN, ग्रीन, GROCER, ग्रॉसर, मतलब आपका इसका हो गया सब्जी वाला, जो सब्जी का काम करता है, सब्जी बेचता है, उसे बोलते हैं ग्रीन ग्रॉसर। एडवोकेट, यानी कि वकील, ADVO, बहुत सिंपल है, एडवोकेट सुना भी होगा आपने। ब्रोकर, BROKER, ब्रोकर, दलाल को बोलते, जो दलाली करता है, बीच का काम करता है, दलाल, दलाली करना, उसे बोलते हैं ब्रोकर। मेसन, MASON, मेसन, मेसन मतलब मिस्त्री, ठीक है ना, जो मिस्त्री होते हैं। मिल्कमैन, MILKMAN, मिल्कमैन दूध वाला। टेलर, TAILOR, टेलर मतलब दर्जी। वॉशर, वॉशरमैन, WASHER, वॉशरमैन, MAN, वॉशरमैन मतलब धोबी। क्लियर हो गया? फिर बहुत सारी वोकैबुलरी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सपोज कर लिया, ने बोला कि धोबी आया था तो वॉशरमैन केम, अब आया था मतलब एक्शन है, आया कब था, पास्ट में, तो सेकंड फॉर्म आएगी, आने को बोलते हैं कम, सेकंड फॉर्म होती केम, ठीक है ना। वॉशरमैन केम, यहाँ फेरी वाला आया था, हॉकर केम, मैं सुनार के पास जा रहा हूँ, आया, अब जा रहा हूँ, काम चल रहा है, एनजी आ जाएगी, आई एम गोइंग टू गोल्ड स्मिथ, मैं सुनार के पास जा रहा हूँ, ठीक है ना। फिशरमैन मछुआरा, मुझे मछुआरा मिला, अब मुझे मिला तो फिशरमैन, अब मिलने को बोलते हैं मीट, कब मिला, पास्ट में, सेकंड फॉर्म मेट आ जाएगी, तो फिशरमैन मेट मी। कैशियर, मैं बैंक गया, अब गया कब, पास्ट में, आई वेंट टू बैंक और मैं कैशियर से मिला, अब मिलने को बोलते हैं मीट, सेकंड फॉर्म करती मेट, आई मेट कैशियर, ठीक है ना। अकाउंटेंट यानी कि मुनीम, ठीक है ना, तो एक मुझे मुनीम मिले तो अकाउंटेंट मेट मी, मैं कहीं दफ्तर पे गया, मुझे मुनीम जी मिले वहाँ पर, अकाउंटेंट मेट मी। केमिस्ट, मैं केमिस्ट के पास जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू केमिस्ट, ठीक है ना। क्या आप केमिस्ट हैं, आर यू केमिस्ट, मैं केमिस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट केमिस्ट। क्या आपका दोस्त केमिस्ट है, इज योर फ्रेंड केमिस्ट, नहीं वो नहीं है, ही इज नॉट केमिस्ट, लेकिन वो केमिस्ट था,
उसकी पहले शॉप थी मेडिकल की, वो केमिस्ट था, तो ही वॉज केमिस्ट। क्या आप केमिस्ट थे? अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्या आप केमिस्ट हैं? आर यू केमिस्ट? ठीक। और क्या आप केमिस्ट थे? तो आर का पास्ट में क्या होता है? वर्ब, क्योंकि आई का एम, एम का वॉज, यू का आर का वर्ब, तो पहले क्या आ जाएगा? वर्ब। तो क्या आप केमिस्ट थे? वर यू केमिस्ट? अगर आप थे तो आई वॉज केमिस्ट, नहीं थे तो आई वॉज नॉट केमिस्ट, मैं केमिस्ट नहीं था। क्लियर हो गया? अब सपोज कर लिया आप कहीं ट्रेन से जा रहे थे, रास्ते में कोई बंदा आपको, कोई अजनबी, अजनबी को फ्रेंड्स बोलते हैं, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर, एस टी आर ए एन जी ई आर, अजनबी को बोलते हैं स्ट्रेंजर। तो कोई अजनबी आपको मिला, ठीक है ना, उसको लगा कि आप टीचर हैं या टीचर थे या कहीं पढ़ाते थे, उसने आपसे कन्फर्म किया कि क्या आप टीचर थे, क्या आप टीचर थे? टीचर क्या है? एक व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, यानी कि उन्होंने एक्शन है। क्या आप टीचर थे? टीचर में क्या एनजी आ जाएगी? नहीं, इसका मतलब उन्होंने एक्शन है। तो क्या आप टीचर थे? अब क्या आप टीचर थे? थे मतलब आप, मतलब यू, यू का टाइमर कौन सा आता है? आर, आर पहले आ जाएगा, लेकिन यहाँ बात चल रही थे पास्ट की, तो आर का क्या हो जाएगा? वर। तो वर यू टीचर? अगर आप थे तो बोल दीजिएगा आई वॉज टीचर, और नहीं थे तो आई वॉज नॉट टीचर। क्लियर है? तो ये पूरा आपका नोएक्शन हो गया विथ फुल वोकैबुलरी। मैंने बहुत सारे वर्ड्स अगर आपको दिए थे क्वालिटी के ऊपर, पैशनेट, जुनूनी, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, ऑर्थोडॉक्स, रूढ़ीवादी, है ना, ईमानदार, ईमानदार को एक क्वालिटी ये भी है, ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, ईमानदार को बोलते हैं ऑनेस्ट, ईमानदार। क्या आप ईमानदार हैं? आर यू ऑनेस्ट? हाँ मैं ईमानदार हूँ, आई एम ऑनेस्ट। क्या आपका दोस्त ईमानदार है? इज योर फ्रेंड ऑनेस्ट? वो ईमानदार है, माई फ्रेंड इज ऑनेस्ट। क्लियर है? और नहीं है तो ही इज नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार था तो ही वॉज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार था आई वॉज ऑनेस्ट। क्लियर है ना? तो ये हो गया, बहुत सारी क्वालिटी में आपको वर्ड दिए थे मैंने, आपको टिमिड दिया था, डरपोक, महाडरपोक, कॉवर्ड दिया था, ब्रेव दिया था, पैशनेट दिया था, ईगर दिया था, एंथुजियास्टिक मैंने आपको कई बार बोला है, लिख दूसरे बारी में एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, ई एन टी एच यू एस आई ए एस टी आई सी, एंथुजियास्टिक मतलब उत्साही, जिसके अंदर बहुत उत्साह होता है कोई भी काम को करने का, उसको बोलते हैं एंथुजियास्टिक। उत्साह को बोलते हैं एंथुजियास, औत्साही को बोलते हैं एंथुजियास्टिक। क्लियर है? तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनको अपनी स्पोकन में यूज कर सकते हैं। स्टोरी मैंने इसलिए नहीं बनवाई आज क्योंकि मैंने आपको वोकैबुलरी देना उचित समझा, बहुत सारी वोकैबुलरी आपको जो कल मिली है और आज मिला करके कम से कम एक पेज की वोकैबुलरी मैंने आपको दे दी है, इसकी हिंदी नोट कर लीजिएगा। कल की वीडियो में मैं आपको लखीमपुर सदर विधायक योगेश शर्मा जी से रूबरू कराऊंगा, उनका मैंने इंटरव्यू कोरोना के ऊपर लिया था, कल के वीडियो को मिस मत करिएगा, बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल आप रूबरू होंगे लखीमपुर के सदर एमएलए विधायक योगेश शर्मा जी से, जो आपको कोरोना के बारे में हमारे जिले में किस तरीके से उन्होंने काम किया और इसमें क्या क्या आप लोग, इसमें विचारधारा उनकी है और क्या कुछ हम सीख सकते हैं, उसमें समाज सेवा की बात भी हुई है, लोगों की मदद की बात भी हुई, बहुत सारी बातें हुई हैं उस इंटरव्यू में। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके लिए, आपके सफलता के लिए एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो दोस्तों कल की वीडियो आप जरूर देखिएगा, बहुत बहुत अहम वीडियो है होने वाली आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में स्टोरी के साथ एक रिविजन करेंगे जितना हमने आज तक पढ़ा है, और उसके बाद जो हम लोग चैप्टर चल रहा था रिलेवेंट कन्वर्सेशन, उस चैप्टर को हम लोग, क्योंकि वो चैप्टर में जो थर्ड पार्ट था वो नोएक्शन के बिना पॉसिबल नहीं है, अब वो पार्ट पॉसिबल है। तो कल की वीडियो के बाद, परसों की वीडियो में हम स्टोरी बनाने के बाद हम उस चैप्टर को पुनः कंटिन्यू करेंगे और आगे चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है? तब तक के लिए इन सबकी हिंदी, इस वीडियो को भले ही आपको दो बार देखना पड़े, तीन बार देखना पड़े, आप इसको पूरे इसकी हिंदी नोट, क्योंकि ये वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी गौर करिएगा ये बोली बहुत जाती है, जब उसको नोट कर लेंगे कभी आप भूल भी जाएं आप देख सकते हैं और इसको यूज भी करिएगा। कल आप देखिएगा जो परसों में स्टोरी बनाऊंगा उसमें मैक्सिमम नोएक्शंस को मैं यूज करूंगा ताकि आपको मालूम पड़े कि कहां कहां किस किस तरीके से यहां जिंदगी में आते हैं और हमको बोलने पड़ते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है तो हम नहीं बोल पाते हैं। क्लियर है ना? तो इन चैप्टर्स को मैं आपको और क्लियर करूंगा परसों की वीडियो में। कल की वीडियो बहुत अहम होने वाली है कि कल आप हमारे एक लखीमपुर की हस्ती हैं, हमारे विधायक योगेश शर्मा जी से रूबरू होंगे, बहुत अच्छे थॉट्स आपको उनके सुनने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। कल की वीडियो मिस मत करिएगा, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करिए, घर में स्टोरीज बनाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड, आप लोगों से मुलाकात होगी कल ठीक रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू गाइस, नमस्कार, हैव अ नाइस टाइम, जय हिंद।